तो बीजेपी ने जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें महिला उम्मीदवारों को अच्छी खासी जगह दी गई है। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि 2024 के लिए बीजेपी की बिग पिक्चर क्या दिखाई दे रही है, समझिए। महिला आरक्षण बिल लेकर आई, उसके बाद बीजेपी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर आई, 3 तलाक का खात्मा किया जिससे कि महिलाओं का, जो मुस्लिम महिलाएं थी उनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी सी अपग्रेड हुई, पीएम आवास योजना दिखी, लखपति दीदी योजना भी लाई गई, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला पोषण अभियान योजना लेकर आई बीजेपी, सेना में परमानेंट कमीशन की बात भी बीजेपी की ओर से की गई है। यानी कि बीजेपी न सिर्फ महिला शक्ति अधिनियम की बात करती है, न सिर्फ महिला शक्ति की बात करती है बल्कि महिला शक्ति को तरजीह भी देती है। और जिस तरीके से कैंडिडेचर दिया गया है वो साफ तौर पर यही जताता है। सीधा मनोज का रुख करेंगे। मनोज, बीजेपी न सिर्फ महिला शक्ति की बात करती है बल्कि तरजीह भी दे रही है। वाकई, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो टिकटें हैं महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में टिकट दी गई है। पार्टी ने खास तौर पर अभी जैसे जो होल पर मध्य प्रदेश की 5 सीट है उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनमें कम से कम 2 जगह पर और महिलाओं को टिकट मिलेगी। हम महिला मोर्चा में कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात बता दूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में, यहां पर जो लोकसभा के चुनाव में जो शिवराज सिंह चौहान को टिकट दोबारा मिल गई है, ज्योतिराय सिंधिया को दोबारा टिकट मिल गई जिन पर सबकी निगाहें थी, हालांकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की टिकट यहाँ से भोपाल से कटी है। हम महिला मोर्चा के जो महिला मोर्चा का ये सेल है यहाँ पर इनसे बात करते हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने महिलाओं को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे आपकी रिजीम में 33% रिजर्वेशन का भी बात कही गई महिलाओं के लिए, तो आपको लगता है कि जो लिस्ट आई है आपके हाथ में है महिलाओं को मिल रहा है प्रतिनिधित्व? हाँ बिल्कुल मिल रहा है ना, बिल्कुल संतुष्ट है महिलाएं। महिलाओं को जो नेतृत्व करने का मौका हमारे भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं वो बिल्कुल संतोषजनक है और बहुत ही हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो गर्व होता है जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और पुरुषों के साथ बराबरी से काम करने का मौका मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। ये लखपति बहना योजना भी तो आई जी, लखपति बहना योजना भी है जिससे आर्थिक रूप से महिलाएँ मतलब अपने आर्थिक दृष्टि से महिलाएं जाहिर है मनोज बनेंगी। महिलाओं को कैंडिडेटर पहली लिस्ट में दिया गया है, महिलाओं में बड़ी खुशी देखी जा रही है। वहीं लोकसभा की 195 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी में महिला कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। जयपुर में महिलाओं ने बीजेपी के चुनाव रथ के साथ प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। जयपुर की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की पहली लिस्ट पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं और सुनवाते हैं क्या कुछ महिलाओं ने कहा है। बड़ी उम्मीद है, आप देखिए कि महिलाएं यहाँ पर सबसे आप तैयारी के साथ में, कैंपेन की तैयारी के साथ में पूरी तैयारी है। तो आप देखिए कि पूरी तैयारी के साथ मोदी जी के लिए 2024। तो आप देखिए कि महिला शक्ति तैयार है यहाँ पर 400 पार के नारे के साथ में। ये जयपुर में आगाज हो चुका है यहाँ पर, हर मोदी सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान मिला है और मोदी जी सबसे ज्यादा महिलाओं के बारे में सोचा है और आज विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे भी किया है और ये महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने चालू करी है देश की और गरीब से गरीब जनता तक उसका लाभ पहुंचा है। जीवन का तो आप देखिए कि तो चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है, सबसे पहले महिला शक्ति आगे आई है और अब घर घर जाएगी, कैंपेन करेंगे, वोट मांगेंगे बीजेपी के लिए और बीजेपी को 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य है। 400 पार का लक्ष्य पूरा होता है नहीं होता वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। कैमरामैन मनीष साधवानी सिंह, जयपुर, न्यूज 18 इंडिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 80 में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पीएम को तीसरी बार वाराणसी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया जिसके बाद वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखाई दिया है। वहां की महिला कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से मैदान में उतर रहे हैं, ऐसे में काशी का मिजाज क्या है ये जानने के लिए हम हैं चाय की दुकान पर। प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से लड़ने जा रहे हैं, क्या माहौल हो आज से सुबह से अड़ी से, क्या चर्चा हो? बनारस वाले एकदम खुश हुए हैं और एकदम माहौल बने लो कि इस बार भी मोदी जी के भारत के इतिहास में सबसे अधिक वोटों से जीते हैं। अच्छा, और ये पिछली बार से रिकॉर्ड कुछ कम रही गुरु या रिकॉर्ड कुछ बढ़ी? पिछली बार से डबल रही है। अच्छा, और
बल्लार से बड़ी हर्षोल्लास का माहौल हो और बड़ा गर्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग कि मोदी जी तीसरी बार सांसद होंगे बनारस। आप जलेबी खा रहे, कहते हैं काशी की शुरुआती सुबह जो है जलेबी से होती है, पूरी कचौड़ी से होती है, तो कहते हैं क्या ये बार तीसरी बार कुछ बढ़िया वोट का आ गए, क्या रहा तीसरी बार तो आ गए मोदी जी, तीसरी बार भी चुनाव लड़ रहे हैं काशी। 400। अच्छा 400 मोदी। अच्छा 400+ प्लस बिल्कुल बिल्कुल 400+। अच्छा क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश तो आप भी जलेबी के क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार मोदी काशी से लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल पार करेंगे इस बार, 400 पार करेंगे। तो क्या लगता है वैसा? और अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आज पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली हुई। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। राहुल ने एक बार फिर से कहा कि देश में नफरत का माहौल है और इसके साथ ही राहुल ने कहा कि देश में युवाओं और किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। वहीं राहुल से पहले तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार जो पोस्टर लगा रही है वो 2,00,000 नौकरियां उन्होंने बांटी है। इसके साथ ही तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी स्टेज पर दिखाई दी। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। और मंच पर लालू प्रसाद यादव की भी मौजूदगी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा यह भी सुनिए। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया, वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था, लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 मार्च से विदेश के दौरे पर जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि विदेश जाने से पहले नीतीश कुमार दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर, सीट के बंटवारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पूरी कोशिश रहेगी कि वो विदेश जाए उससे पहले पहले सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला तैयार हो जाए, कोई सहमति बन जाए और इसीलिए 6 मार्च से क्योंकि विदेश दौरे पर वो जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि विदेश जाने से पहले नीतीश कुमार दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज की बात कर लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पाकिस्तान की तुलना में भारत में दोगुनी बेरोजगारी बता दिया राहुल गांधी ने। हमारे पास बांग्लादेश और भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा है, राहुल गांधी की ओर से इस तरह का बयान दिया गया, जिसके बाद इस वक्त बवाल मचा हुआ है। इससे पहले आपको बताएं मणिशंकर अय्यर ने यह कह दिया था कि आधी से ज्यादा जनता पाकिस्तान में सेटल होना चाहती है इंडिया की। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है भैया,